अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड ग्रेड। आज के सेक्शन में जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम 2D एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट करेंगे। हमने लास्ट टाइम फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन किया था, अब जो है आज हम जो कर रहे हैं आपको क्वेश्चन वो है टू। क्वेश्चन नंबर टू स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें यहाँ पर जैसे हम पहले एक्सरसाइज में करते रहे हमें यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे यहाँ पर और स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये स्टेटमेंट टू है कि फॉल्स है, लेकिन वो तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप अच्छे तरीके से चीजों को समझते होंगे। तो चलिए इसका जो है फर्स्ट पार्ट जो है करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू है हमारा ट्रू एंड फॉल्स, आपने ट्रू लगाना है स्टेटमेंट टू के लिए और आपने जो है फॉल्स लगाना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट आपका जो है वो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वन इज द नंबर एट सेवन। जी सुन, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर आप पढ़े तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वन इज द नंबर इट सेल्फ। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी नंबर चूज करें, फॉर एग्जाम्पल 23 है, उसका आप मल्टीप्लाई करते हैं वन से, तो आपको पता है फ्रेंड्स 23 ही होगा। इसका मतलब कोई भी नंबर जो आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में कोई तब्दीली नहीं आती, आपका आंसर जो है वो नेवर चेंज, आपका आंसर चेंज नहीं करता। इस वजह से इसका मतलब ये होगा कि वो बात बिल्कुल ठीक कह रहा है कि कोई भी नंबर जब आप कोई भी नंबर लें और आप 1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आप कभी चेंज नहीं होता, वो नंबर खुद ही इटसेल्फ जो है वो आ जाता है। इसको ही आप ये नहीं, फॉर एग्जांपल 8 मल्टीप्लाई 1 आपका आंसर 88 होगा। कोई भी आप नंबर चूज कर लें, फॉर एग्जाम्पल 80 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 80। देखिए वो जब 1 से मल्टीप्लाई होता है कोई भी नंबर, तो वो नंबर खुद ही जाते खुद आप आंसर के तौर पर आ जाता है। इसका मतलब वो बात बिल्कुल सही कह रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा स्टेटमेंट आप बिल्कुल, इसका मतलब क्या है ट्रू। स्टूडेंट्स ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि वो बात सही कह रहे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसकी बी स्टेटमेंट है अ नंबर डज नॉट चेंज इफ इट इज मल्टीप्लाई बाय 0। नंबर डज नॉट चेंज इफ इट इज मल्टीप्लाई नंबर डज नॉट चेंज इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0। फ्रेंड्स हमें देखिए स्टेटमेंट को हमें सेट करना है क्या ट्रू है फॉल्स है। असल में आपको क्या कह रहा है, नंबर डज नॉट चेंज, एक नंबर कभी चेंज नहीं होता इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। स्टूडेंट ये ऊपर वाले स्टेटमेंट की वाले बात बिल्कुल ठीक थी कि नंबर कभी चेंज नहीं करता, वही आंसर के तौर पर आता है। लेकिन जब आप किसी भी नंबर को, स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने बताया था, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर आपका ऑलवेज 0 रहता है। कोई भी नंबर है, 2 है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर आप चूज करते हैं, जब उसको 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आपका हमेशा 0 रहता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपका आंसर नंबर डज नॉट चेंज इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0, इसका मतलब ये बाद में गलत कह रहा है, नंबर चेंज नहीं होता बल्कि आंसर आपका टोटली 0 रहता है। इस वजह से इस स्टेटमेंट का आंसर आपका क्या है, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका फॉल्स। तो पहले स्टेटमेंट ट्रू थी, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स, इस वजह से क्योंकि 0 जब मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर के साथ वो नंबर वही नहीं आता बल्कि क्या हो जाता है, आंसर आपका टोटली 0 रहता है। ठीक है, इस वजह से स्टेटमेंट जो है सही है आपकी फॉल्स है, फॉल्टी है। चलिए सी स्टेटमेंट करते हैं, सी स्टेटमेंट है स्टूडेंट डबलिंग ऑफ अ नंबर आर मल्टीप्लाइड आर मल्टीप्लाइड इट विथ टू इज द सेम। डियर फ्रेंड्स हमें स्टेटमेंट का बिल्कुल अलग अलग है, वो हमें कह रहा है कि डबलिंग ऑफ अ नंबर आर मल्टीप्लाई इट विद इन विद टू इज द सेम आंसर। प्लस इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर को अगर आप डबल कर दें, उसको टू टाइम्स ऐड कर दें, या उसको जो है मल्टीप्लाई इट विद टू, तो अगर आप उसको टू से मल्टीप्लाई कर दें या उसको डबल कर दें आंसर हमेशा सेम रहता है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। अब फ्रेंड्स रीजन बताता हूँ क्यों ट्रू है ये। फॉर एग्जाम्पल आप ले रहे हैं 8,
आप एट पर डबल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एट का डबल क्या होगा, एट प्लस एट स्टूडेंट, एट प्लस एट कितना स्टूडेंट 16, या आप जो है वो एट को मल्टीप्लाई करते हैं टू के साथ, तब भी यहाँ से देखें टू जार एट 16 होगा। इसका मतलब बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप किसी भी नंबर को डबल करते हैं या इसको आप जो है वो टू से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर दोनों सूरत हाल में क्या रहता है आपका स्टूडेंट्स, सेम रहता है। इस वजह से आपने कहा है कि अगर आप किसी नंबर का डबल करते हैं या उसको आप टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। इस वजह से स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स, टू है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट बहुत आसान है, हमें पता है पहले हमने अगर फिलिंग और ब्लैंक्स आपने किए हैं अच्छी तरीके से समझ आ गई है तो ये स्टेटमेंट आपके लिए पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। यस फ्रेंड्स, एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, हमें इन दोनों के बारे में पता लगाना है। देखिए एक स्टेटमेंट जो है वो ये है कि 54 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया गया है तो आंसर आपका कितना है 504, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। उसने यहां पर क्या किया है, जीरो को इनके दरमियान में प्लेस कर दिया, 504 बना दिया, जो कि बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। क्योंकि एक्चुअल होना ये चाहिए था कि आप जो है जब 54 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो 54 वन कॉलम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता, आपका आंसर आना चाहिए था 540, मतलब 540 107 का करना था, ना कि जीरो दरमियान में आना था। इस वजह से ये आंसर आपका टोटली रॉन्ग है, आपका आंसर होना चाहिए था 540, ये आंसर लिखा है 504, इस वजह से स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, डी वाली फॉल्स। बट नेक्स्ट पर देखिए स्टूडेंट 29.29 कर रहे हैं, आपने जैसे फिलिंग ऑफ ब्लैंक्स में आपने किया था आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखकर इसको मल्टीप्लाई करना और देखना क्या इतना ही आंसर आता है। फ्रेंड्स मैंने देखिए ऐसे लिख दिया, अब 909 फ्रेंड्स आप जो है टेबल आना चाहिए, तो 909 आपको होता है 81, 81 में से मैंने 1 ले लिया है, 8 जो है नेक्स्ट यहाँ पर कैरी कर दिया है। अब 932 स्टूडेंट्स कितना होता है 18, और 18 में आप 8 ऐड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 18 में स्टूडेंट्स कितने ऐड करने आपने 8, 8 जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 26, यहाँ पर लिखा गया है 27 स्टूडेंट्स। इस वजह से जो है ये आंसर आपका ये भी क्या है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। स्टूडेंट्स इस तरह से जो है वो आपने क्या करना है, इन आंसर्स को जो है वो आपने चेक करना है कि क्या स्टेटमेंट है, ये आंसर है, आप चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, लेकिन आपने अच्छे तरीके से समझ के लगाना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। इस तरह से स्टूडेंट्स है आपका क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन 3 करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।